हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एकेडमी में स्वागत है। चैनल पे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। आज का जो हमारा टॉपिक होगा लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होगा लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आप इनफिनाइट लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे, इनफाइनाइट लिमिट। इनफाइनाइट लिमिट हम किसे बोलेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इफ जेड नॉट एंड डब्लू नॉट, जेड नॉट एंड डब्लू नॉट आर पॉइंट इन द जेड एंड डब्लू प्लेन respectively, then यहां पे कंडीशन होगी, केस होगी, थ्री केसेस हम लोगों के पास होगा कि लिमिट क्या होगा, लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ की केस है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट वन अपॉन एफ जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सेकेंड केस क्या होगी हम लोगों के पास कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड टेंडिंग टू इन्फिनाइट इन्फाइनाइट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्लू नॉट if and only if limit z tending to 0 f of 1 by z is equal to w naught, that is clear, yes or no? Okay, third jo hum logo ke paas case hoga ki limit z tending to infinite f of z is equal to infinite if and only if limit z tending to 0 1 upon f of 1 by z क्या होगा, हमें मिलेगा जीरो मिलेगा। हमने आपको क्या बताया इनफाइनाइट लिमिट के बारे में कि इफ z नॉट एंड w नॉट आर पॉइंट इन द z एंड w प्लेन रिस्पेक्टिवली देन लिमिट z tending to z नॉट f of z इज इक्वल टू इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ लिमिट z tending to z नॉट 1 upon f z इज इक्वल टू 0, क्या है यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की केस है, ठीक है। लिमिट जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्लू नॉट इफ एंड ओनली लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन बाई जेड क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल टू डब्लू नॉट, ठीक है। लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एफ ऑफ वन बाई जेड इज इक्वल टू जीरो, दैट इज क्लियर। अब इसके बेस पे हम लोग थ्री क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ये इफ एंड ओनली ये इसके ये होगा तो ये ही क्यों आएगा, या ये होगा तो ये हमें क्यों आएगा, इफ एंड ओनली इफ की केस है, दैट इज क्लियर। तो हम लोग तीन क्वेश्चन इसी के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसी के बेस पे हम लोगों ने लिखा है कि लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस वन आयोटा जेड प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस वन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सेकेंड क्या है कि लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू टू जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड प्लस वन इज इक्वल टू टू। थर्ड हम लोगों ने क्या लिखा कि लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू जेड क्यूब माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फाइनाइट, दैट इज क्लियर है सियानो। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट केस डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट वन अपॉन एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये वाला केस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट का स्थान हमारे पास क्या है, माइनस वन है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे इनफाइनाइट आ रहा है। तो सिंस अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसी वाले केस से, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन क्या होगा, देखिए फर्स्ट वाले का क्या होगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, जेड नॉट के स्थान पे यहाँ क्या है, माइनस का वन है,
और फिर क्या होता है वन अपॉन एफ जेड, क्या होता है वन अपॉन एफ जेड क्या मिलता है हम लोगों को, जीरो मिलता है, दैट इज क्लियर। तो वन अपॉन एफ जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ जेड हम लोगों के पास ये है, तो वन अपॉन में हो जाएगा वन अपॉन आयोटा जेड प्लस का थ्री अपॉन जेड प्लस वन, दैट इज क्लियर यस या नो। तो देखिए अब यहाँ से क्या आएगा, ये हमें क्या मिलेगा लिमिट, लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस वन, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये जेड प्लस वन अपान आयोटा जेड प्लस का थ्री। आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, दैट इज क्लियर। तो देखिए हम लोगों ने यही तो डिस्कस किया था कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट वन अपान एफ जेड इज इक्वल टू जीरो कब मिलेगा, जब लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इन्फाइनाइट होगा, दैट इज क्लियर। तो देखिए ये होल्ड किया कि नहीं किया, किया ना। तो अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड वाले केस से कब क्या, सेकेंड केस में क्या था कि लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट इफ एंड ओनली इफ लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन वाई जेड इज इक्वल टू क्या था डब्ल्यू नॉट, दैट इज क्लियर। इस प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है सेकेंड वाले में, हम लोग देखेंगे ठीक है। तो सेकेंड वाले में क्या था, लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू आयोट, देखिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ओमेग डब्ल्यू नॉट, दैट इज क्लियर इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या डब्ल्यू नॉट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड केस अप्लाई होगा, दैट इज क्लियर। तो क्या होगा सिंस सोल्यूशन सेकेंड का हम लोग देखेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ से हम लोगों को, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, लिमिट लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन बाई जेड क्या होगा, एफ ऑफ वन बाई जेड मीन्स जहाँ जहाँ जेड होगा हम लोग क्या डिस्प्लेस कर देंगे, वन बाई जेड कर देंगे, क्या कर देंगे वन बाई जेड कर देंगे, दैट इज क्लियर। तो टू टू अपान जेड प्लस का आयोटा अपान वन अपान जेड प्लस का वन, दैट इज क्लियर। और हमें क्या मिलना चाहिए, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू डब्ल्यू नॉट ही मिलनी चाहिए, यही टू ही मिलना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि सेकेंड केस अप्लाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो टू प्लस आयोटा जेड अपान जेड वन प्लस जेड अपान जेड, इससे कैंसिल आउट होगा, और जब हम लोग लिमिट लगाएंगे ये हम लोगों के पास ये जेड है, दैट इज क्लियर ओके। तो देखिए जब आप लिमिट लगाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, वहाँ पर मिलेगा क्या यहाँ से टू मिल जाएगा, तो देखिए ये मिला डब्ल्यू नॉट मिला यहाँ पर भी, तो सेकेंड केस हो गया। अब थर्ड केस की हम लोग बातें करते हैं, थर्ड केस कैसे अप्लाई किए थे, देखिए थर्ड केस, तो थर्ड केस में क्या था कि लिमिट लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ, क्या था इफ एंड ओनली इफ लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एफ ऑफ वन बाई जेड इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्या ये होल्ड हो रहा है, लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, देखिए तो क्या होगा इसके एग्जांपल, सिंस सिंस लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे सिंस थर्ड क्या होगा, देखिए लिमिट जेड टेंडिंग टू यही अप्लाई करना, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एफ ऑफ वन बाई जेड, दैट इज क्लियर यस या नो ओके। तो क्या आएगा यहाँ पे वन अपान जहाँ जहाँ जेड होगा हम लोग वन बाई जेड से रिप्लेस करेंगे, तो टू अपान जेड क्यूब माइनस का वन अपान जेड स्क्वायर प्लस का वन, दैट इज क्लियर। फिर क्या करेंगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है, ये हमारे पास एक ही है। अब इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर लिमिट लगाएंगे, तो क्या आएगा वन अपान टू माइनस का जेड क्यूब डिवाइडिंग बाई जेड क्यूब अपान वन प्लस का जेड स्क्वायर डिवाइडिंग बाई जेड स्क्वायर, दैट इज क्लियर यस या नो। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ हम लोगों को जेड मिलेगा,
फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 माइनस का जेड क्यूब अपॉन जेड इंटू, फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये नीचे वाला, इस टाइप से 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज क्लियर। फिर हम लोग इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला फिर से ऊपर अगेन चला जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा जेड प्लस का जेड क्यूब डिवाइडिंग बाई 2 माइनस का जेड क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो था, यस या नो। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे आपको कहाँ चला जाएगा, टेंड जीरो पे मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यही तो हम लोगों ने बताया कि क्या बताया कि लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी एफ इफ एंड ओनली लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एफ ऑफ वन बाई जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यही क्या था, इनफाइनाइट लिमिट के 3 क्वेश्चन थे। अब हम लोग एक थियरम डिस्कस करते हैं, थियरम है हम लोगों के पास, क्या है थियरम, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स ऑफ वाई प्लस का आयोटा वी ऑफ एक्स 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 वाई, ठीक है, वी ऑफ एक्स कम वाई, फिर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस का आयोटा वाई, एंड एंड जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस का आयोटा वाई नॉट, एंड डब्लू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, यू नॉट प्लस का आयोटा वी नॉट, दैट इज क्लियर, यस या नो। देन देन लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्लू नॉट, क्या मिलेगा हमें, डब्लू नॉट मिलेगा कब, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट u of एक्स वाई इज इक्वल टू यू नॉट, एंड लिमिट एक्स कमा वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट v of एक्स वाई इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। हमने क्या बताया थियरम, कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस का आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस का आयोटा वाई नॉट, एंड डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू यू नॉट प्लस का आयोटा वी नॉट, देन लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यू नॉट, दैट इज क्लियर, यस या नो। एंड लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट वी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट, दैट इज क्लियर। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सिक्वेंशियल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, सिक्वेंशियल डेफिनेशन, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट, ये क्या होता हम लोगों के पास, देखिए फर्स्ट जो होता है कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल, सेकेंड क्या होगा कि जेड एन टेंडिंग टू जेड नॉट वेयर जेड एन नॉट इज इक्वल टू जेड नॉट विच इम्प्लाई एफ ऑफ जेड नॉट इज टेंडिंग टू एल, क्या होता है फर्स्ट जो होगा इसकी कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल, सेकेंड क्या होगा कि जेड एन टेंडिंग टू जेड नॉट वेयर जेड एन नॉट इज इक्वल टू जेड नॉट विच इम्प्लाई एफ ऑफ जेड नॉट इज टेंडिंग टू एल। अब इसको हम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट को चेक कैसे करते हैं ये हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, चेक कैसे करेंगे। तो देखिए मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, कोई दो सिक्वेंस लेंगे, क्या लेंगे, कोई दो सिक्वेंस लेंगे ए एन और बी एन लेंगे, और ए एन सिक्वेंस भी सेम लिमिट पे जाए और बी एन सिक्वेंस भी दोनों क्या जाए सेम लिमिट पर जाए, क्या करें ए एन और बी एन की जो लिमिट होंगी दोनों सेम लिमिट पर जाए और एफ ऑफ ए एन लीजिए एफ ऑफ ए एन एंड एफ ऑफ बी एन दोनों ये भी किसी सेम लिमिट एल वन पर जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिक्वेंशियल डेफिनेशन लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। क्या हम लोग बताया कि हम लोग कोई दो सिक्वेंस चूज करेंगे ए एन और बी एन सिक्वेंस चूज करेंगे और दोनों को लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पे कोई सेम लिमिट पर जाए
दैट इज क्लियर। उसके बाद जो फंक्शन एफ ऑफ ए एन होगा क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ ए एन और बी एन की भी दोनों की लिमिट क्या जाए सेम किसी एल वन पर जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वो हमारी जो लिमिट है एग्जिस्ट करेगी, दैट इज क्लियर। अब हम लोग कुछ लिमिट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्या है 5 क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, बताना है क्या इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम लोगों ने लिमिट के लिए कॉन्सेप्ट क्या है रियल एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। इसके लिए हम लोगों के पास 3 मेथड है, 2 से 3 मेथड है। या तो हम लोग पोलर में चेंज करें, पोलर में क्या करते हैं एक्स को आर कॉस थीटा लेते हैं, एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा लेते हैं, या फिर अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग वाई एक्सिस, दैट इज क्लियर ओके। या फिर हम लोग क्या करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, या y इज इक्वल एम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, या y इज इक्वल एम रोड एक्स, मतलब जो आपको सूटेबल लगे, दैट इज क्लियर। तो हम लोग क्वेश्चन से इसको समझते हैं, ठीक है ओके। तो जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है कि लिमिट x कामा y टेंडिंग टू 0 0, लिमिट x कामा y टेंडिंग टू 0 0, एक्स कामा वाई टेंडिंग टू 0 0, एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वाई इक्वल्ड एम एक्स पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे वाई इक्वल्ड एम एक्स पुट करेंगे। तो जैसे हम लोग वाई इक्वल्ड एम एक्स पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स इंटू एम एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज क्लियर यस या नो। और फिर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एम, यहाँ पे नीचे से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर, तो इससे यह कैंसिल आउट होगा, हमें क्या मिलेगा एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये फंक्शन एफ ऑफ एम का हो गया, किसका फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एम का फंक्शन हो गया। तो एफ ऑफ एम का फंक्शन हो गया तो हमें यहाँ से क्या मिला, ये जो है एम पे डिपेंड करेगा, एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लिमिट मिलेंगी। तो जब डिफरेंट कोई यूनिक लिमिट नहीं मिलेगा, जब हमें यूनिक लिमिट नहीं मिलेगा तो हमारा लिमिट फर्स्ट वाले का डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज क्लियर यस या नो ओके ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने वाई इक्वल एम एक्स पुट किया और जैसे एक्स एक्स पे तो डिपेंड किया नहीं, ये किस पे डिपेंड कर गया एम पे, और जैसे जैसे एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लोग चूज करेंगे ये हमारा फंक्शन क्या की जो लिमिट है, ये जो हमारे पास गिवन है इसका जो लिमिट होगी डिफरेंट डिफरेंट होगा, जब डिफरेंट डिफरेंट लिमिट होगी यूनिक लिमिट नहीं होगी तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सेकेंड में क्या है कि लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू 0 0, लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू 0 0, एक्स वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हम लोग पोलर में बनाएंगे, जो आपको सुइटेबल लगे आप पोलर में बनाइए, वाई इक्वल एम एक्स पुट कीजिए ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको पोलर में लेते हैं, तो पोलर में हम लोग क्या करेंगे, एक्स को आर कॉस थीटा लेंगे, वाई को आर साइन थीटा लेंगे, दैट इज क्लियर यस या नो ओके। तो जब हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें हमारे पास, देखिए यहाँ हम लोगों को मिलेगा कुछ ये आर कॉस थीटा इंटो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, जहाँ एक्स होगा आर कॉस थीटा, जहाँ वाई होगा आर साइन थीटा, दैट इज क्लियर यस या नो ओके। तो देखिए यहाँ पे और सिंप्लीफाई करोगे तो आर क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपान आर स्क्वायर नीचे से कॉमन हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को 1 मिलता है, दैट इज क्लियर। इससे कैंसिल आउट करोगे तो आर मिलेगा। और लिमिट आर टेंडिंग टू 0 पे, लिमिट आर टेंडिंग टू 0 पे आर कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये कहाँ टेंड कर 0 पे चला जाएगा, तो 0 पे चला जाएगा तो यूनिक लिमिट मिल जाएगी, तो हमारी लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर जाएगी, दैट इज क्लियर लिमिट एग्जिस्ट। क्वेश्चन थर्ड क्या है इसमें, देखिए लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू 0 0, लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू 0 0, एक्स वाई क्यूब अपान
एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वाई इक्वल एम एक्स लेते थे, वाई इक्वल एम एक्स ले, या फिर हम लोग ले लें क्या ले लें यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे जो पुट करेंगे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है वाई की पावर 6 को हटाना है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू एम वाई क्यूब लेंगे, क्या लेंगे एक्स इज इक्वल टू एम वाई क्यूब, हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स के स्थान पर एम वाई क्यूब पुट कर लीजिए अपा क्या मिलेगा एम स्क्वायर वाई की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। अब देखिए यहाँ पे y की पावर 6 कॉमन हो जाएगा तो m अपान क्या मिलेगा 1 प्लस एम स्क्वायर वाई की पावर 6 इंटू वाई की पावर 6, इससे कैंसिल आउट होगा और जो फंक्शन हमें मिलेगा f ऑफ m में मिल जाएगा। अब जब f ऑफ m में मिल जाएगा तो इसका मीन्स क्या है कि m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या मिला है यहाँ पे m अपान 1 प्लस एम स्क्वायर ही तो मिला है। अब m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट हम लोगों को मिलेगा, जब डिफरेंट डिफरेंट लिमिट मिलेगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज क्लियर यस या नो। ओके अब हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, फोर्थ वाला क्वेश्चन है ठीक है। क्या है क्वेश्चन, लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, दैट इज क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इजिली इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको पोलर में बना लेंगे, क्या ले लेंगे पोलर में एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा देखिए आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस का आर क्यूब साइन क्यूब थीटा डिवाइडिंग बाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज क्लियर यस या नो। ओके तो देखिए यहाँ से आर क्यूब कॉमन हो जाएगा और नीचे से आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको कंक्लूजन क्या मिलेगा आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा डिवाइडिंग बाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से वन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हमें मिलती है क्या मिलती है वन मिलती है, और इससे हम लोग इसको कट करेंगे तो यहाँ आ आएगा और लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो पे ये हमें क्या दे देगा जीरो वैल्यू दे देगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये कहाँ चला जाएगा जीरो वैल्यू दे देगा, तो ये हमारी लिमिट इसकी क्या हो जाएगी एग्जिस्ट कर जाएगी, दैट इज क्लियर। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे वाई इक्वल एम एक्स, क्या ले लेंगे वाई इक्वल एम एक्स लेंगे और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके क्या है क्वेश्चन, लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो क्वेश्चन फाइव है, लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एक्स अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे वाई इक्वल एम एक्स में पुट करेंगे, हमें जो इजीली लगेगा जिससे हम लोग जल्दी फाइंड आउट कर ले हम लोग, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप क्या करोगे एक्स इज इक्वल टू आर का पोलर में उसको बनाना, दैट इज क्लियर। एक्स को आर का थीटा वाई को आर साइन थीटा पुट करना, ठीक है। जब हम लोग लिमिट पढ़ेंगे रियल एलाइंस में बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, दैट इज क्लियर। अभी हम लोग को कुछ जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना आपको दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स मिलेगा तो एक्स अपान वन प्लस एम स्क्वायर, ऐसे कैंसिल आउट होगा तो हमें क्या मिलेगा वन अपान अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, दैट इज क्लियर। ये फंक्शन एफ ऑफ एम का हो गया, किसका फंक्शन हो गया एफ ऑफ एम का फंक्शन हो गया, और एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लिमिट मिलेगी तो यहाँ से हमारे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दैट इज क्लियर यस या नो। ओके क्या हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर सिक्स हम लोगों के पास क्या है कि लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एक्स वाई, क्या है क्वेश्चन, लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान
एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, दैट इज क्लियर। हम लोग क्या करेंगे, इसको पोलर में चेंज करेंगे। पोलर में हम लोग क्या लेंगे, एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा, दैट इज क्लियर। यस या नो? देखिए यहाँ पे हमारे पास जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स के स्थान पर आर कॉस थीटा, वाई के स्थान पर आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डेट इज क्लियर। यस या नो? ओके। और नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ये आर स्क्वायर आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ से भी आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वन मिलेगा, दैट इज क्लियर। अब देखिए यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा और ये कॉस टू थीटा। अब देखिए लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो पे, आर टेंडिंग टू जीरो पे ये हमें क्या दे देगा, जीरो दे देगा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, सेवन नंबर का क्वेश्चन जो है क्या है कि लिमिट लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन है कि या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे ये ओनली हमें वन दे रहा है, अदरवाइज हम कुछ भी ले रहे हैं, हमें क्या दे दे रहा है, जीरो दे दे रहा है। क्या दे दे रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन जो है ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कि लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स कामा वाई ये डिफाइन है, किस तरह से डिफाइन है कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे हमें किसकी लिमिट मिल रही है, वन मिल रही है। अदरवाइज हम अगर वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, फंक्शन जो हमारे पास गिवन होगा उसमें अगर हम कुछ भी वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे तो हमारी लिमिट क्या दे देगी, यहाँ पे हमें वन दे दे रहा है और यहाँ पे जो लिमिट आ रही है जीरो आ रही है, इसका मतलब डिफरेंट लिमिट आ रही है, डिफरेंट लिमिट आ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज क्लियर। यस या नो? सेवन नंबर का क्वेश्चन। अब एट नंबर क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन एट क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एक्स अपान एक्स प्लस वाई, लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एक्स अपान एक्स प्लस वाई, दैट इज क्लियर। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स। तो जैसे आप पुट करोगे क्या आएगा, एक्स अपान एक्स प्लस का एम एक्स और एक्स अपान एक्स वन प्लस का एम, और इससे कैंसिल आउट होगा वन अपान वन प्लस एम फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एम। जब फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एम मिलेगा इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स यह है कि हमें डिफरेंट एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट मिलेगी। जब डिफरेंट डिफरेंट लिमिट मिलेगी तो ये हमारा क्या कर जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज क्लियर। लास्ट क्वेश्चन नाइन्थ नंबर का है, क्या है क्वेश्चन, लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो ई की पावर साइन एक्स प्लस वाई अपन एक्स प्लस वाई। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है नाइन्थ कि लिमिट एक्स कामा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो ई की पावर साइन एक्स प्लस वाई अपान एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को क्या पुट कर लेंगे, कोई एम पुट कर लेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम, दैट इज क्लियर। अब देखिए यहाँ हमारे पास लिमिट कहाँ चली जाएगी, एम पे चली जाएगी, लिमिट लिमिट एम टेंडिंग टू जीरो ई की पावर साइन एम ई की पावर साइन एम डिवाइडिंग बाई एम। जैसे हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास जीरो ई की पावर क्या मिलेगा, देखिए ई की पावर जीरो अपान जीरो, ई की पावर जीरो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो होगा तो वन साइन ई की पावर जीरो क्या मिलेगा, वन, वन अपान जीरो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज क्लियर। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।